बाबा साहब ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई, साहू जी महाराज तमाम होते हुए और मान्यवर कांशीराम जिन्होंने, जिनको मैं राजनीति का रसायन शास्त्री कहता हूँ, और चंद्रशेखर भाई हर भाषण में मान्यवर साहब को जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका इस बात के लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, मान्यवर साहब को कम पढ़ा था, मैं उनसे कभी उनको देख नहीं पाया। जब मैं दिल्ली आया था तो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था उसी साल, तो मैं बैड लक हूँ, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इस फिल्म के जरिए उनको समझने की कोशिश करूँ। उनके भाषण का संकलन मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुजन समाज जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ। और शुक्रिया दोस्त कि आपने ये फिल्म बनाई, वो इसलिए कि इस देश में फिल्म के जरिए एक धर्म बन जाता है, एक देवी का एस्टेब्लिशमेंट। जय संतोषी माँ बचपन से देखा और लोगों ने उसकी पूजा पाठ शुरुआत कर दी, एक भगवान बन गया। तो मुझे लगता है कि हम तो अपने बहुजन आइकॉन को, जो सच्चे थे, जो पैदा हुए, जो धरती पर आए, उनको हमें दुनिया को बताना है। नहीं तो कोशिश देखिए कि किस तरह से हो रहा है। आज टीवी सीरियल देखिए, आज फिल्में देखिए, कैसे धज्जिया और नाग नागिन, सांप सपेरा, जय संतोषी माँ, और जिस दादा साहब फाल्के की बात कर रहे थे, ये साहब उन्होंने क्या क्या फिल्में बनाई है। मैं फिल्म का छात्र रहा हूँ JNU में। उन्होंने हिंदू धर्म को एस्टैब्लिश किया, राजा हरिश्चंद्र से लेकर पहली जो आलम आरा बोलती फिल्म थी। तो हमारे पास अगर ये संसाधन पहले से होते तो हमारा आंदोलन बाबा साहब के जीते जी सफल हो जाता। उन्होंने मुखबधिर शुरू किया। अगर मान्यवर कांशीराम साहब के समय भी ये सोशल मीडिया होता तो मुझे लगता है हमारा आंदोलन और ज़्यादा सफल होता। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब किसी के मोहताज नहीं रहे। उन्होंने जो भी लकीर खींची, खुद से खींची, अपने तरीके से खींची। हो सकता है हम लोग होते तो और कुछ उनके चरणों में रहते और मददगार बन पाते, तो उस हिसाब से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ, आप चूँकि वो बाबा साहब आएंगे नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब आएंगे नहीं, इन लड़ाई को चंद्रशेखर भाई जैसे लोग को ही आगे बढ़ाना होगा। हम लोग तो सिर्फ पत्रकार के नाते वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे उसमें सिर्फ कैमरा लेके घूमते रहेंगे, हमारी हैसियत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उन लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस तरह से काला, सैराट और इस तरह की फिल्में बनी है, जो कि दलित समाज से आए हुए लोगों ने फिल्म बनाई है और उसका एक मैसेज गया है, तो हम पढ़े लिखे लोग तो किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल नहीं गई है। इस देश में 85% जो हमारी आबादी है उसमें 85% लोग पढ़े लिखे नहीं है। अगर हम उन तक ये फिल्म पहुँचा पाएँ हम सोशल मीडिया के जरिए, तो ये हमारी बड़ी सफलता होगी और ये मान्यवर कांशीराम साहब को असली श्रद्धांजलि होगी उनके विचारों को। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये भूखे पेट लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, और हम लोग चाहते भी नहीं है कि हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी डॉक्टर अम्बेडकर भूखे रह के लड़ें, मान्यवर कांशीराम साहब भूखे रह के लड़े। कब तक भूखे लड़ेंगे? हमारा पेट भी भरा होना चाहिए, हमारे तन पर अच्छा कपड़ा होना चाहिए, गले में टाई सूट होना चाहिए, जूता होना चाहिए, और वो ये माध्यम से आ सकता है। सोशल मीडिया आपको मजबूत करता है, यूट्यूब आपको पैसे देता है, और समाज भी आपको मजबूत करता है, लेकिन पेट थोड़ा भरा ना हो, लिमिट में रहे। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, अश्वेत समाज जो ब्लैक मैन है, आप लोग अभी बियॉन्से नाचने आई थी या डांस करने आई थी, बहुत बाहियात तरीके के लोग पोस्ट लिख रहे हैं उनके बारे में, जो मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, कि जो बियॉन्से भारत को गरीब कर दी थी वो अंबानी ने उसको रात भर नचाया। समझिए, अश्वेत समाज ने पूरी दुनिया में फिल्मों पर कब्जा किया है, गाने पर कब्जा किया है, डांस पर कब्जा किया है, और वो आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सफल हैं। तो अगर बहुजन समाज के लोग, हमारे जो मेहनती हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, वो फिल्म में आते हैं, हीरो बनते हैं, एक्ट्रेस बनते हैं, तो मुझे लगता है हमारे समाज में जो बाबा साहब ने जो राजनीतिक लड़ाई लड़ी, सामाजिक लड़ाई लड़ी, मान्यवर साहब ने जो सामाजिक लड़ाई लड़ी, राजनीतिक लड़ाई लड़ी, अगर अर्जुन जैसे लोग आते हैं और वो इस तरह की और फिल्में बनाते हैं, तो मैं तो मेरा चैनल बिल्कुल उसमें से एक रुपया नहीं लेने वाला है, सारा पैसा अर्जुन को देंगे, जो भी पैसा उससे आएगा, ताकि अर्जुन दूसरी फिल्म बनाए। और मैं चंद्रशेखर भाई से स्पेशल गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप मैक्सिमम भाषण दीजिए और उसको सोशल मीडिया के लोगों को कहिए कि जो मन हो, जहां मन हो, वहां लगाओ, वहां इस्तेमाल करो। और ऐसे तमाम प्रोग्राम में आप समय निकाल के आए, मुझे लगता था कि आप सिर्फ बड़े बड़े जलसा में जाते होंगे जहां 50,000 लोग जुटे, आपने 10-20 लोगों के सामने भी आना पसंद किया और आप आए, आपका दिल से शुक्रिया। और अर्जुन भाई, हम लोग आपका आभारी रहेंगे, और मैं पहला व्यूवर्स बनना चाहता हूँ जो मान्यवर कांशीराम साहब की पर जो आपने फिल्म बनाई उसको देख। ये तो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सबसे पहले हम बैठे हैं। अच्छा तो शुक्रिया, और चंद्रशेखर भाई का शुक्रिया कि आप आए, हमारे आप भविष्य के नेता हैं, युवा नेता हैं, और अगर आपने अपनी नैतिक ईमानदारी रखते हुए इस तरह के प्रोग्राम में भी, छोटे छोटे प्रोग्राम में भी आना अगर स्वीकार किया, तो हमें लगता है कि बहुजन समाज को एकजुट होने से, मजबूत होने से और बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया।